नमस्कार, आपका स्वागत है आदित्य न्यूज़। व्यक्ति बड़ी खबर मिल रही है नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा से, जहां पर कोरोना का पहला पॉजिटिव केस मिला। आपको बता दें कि कोरोना का कहर पूरे मध्य प्रदेश में लगातार फैलते जा रहा है। अब नरसिंहपुर जिला भी इससे अछूता नहीं रहा। दिनांक 20 मई 2020 को अहमदाबाद गुजरात से 2 गाड़ियों में 19 व्यक्ति नरसिंहपुर आए थे, जिसमें ग्राम बिलतारी, ईश्वरपुर और नादिया के लोग थे। इन सभी लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया था। नरसिंहपुर जिले की तहसील तेंदुखेड़ा के ग्राम बिलथारी में एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने सख्ती बरतते हुए पूरे एरिया को कंटेनमेंट एरिया में घोषित कर दिया गया है। वह उन्होंने बताया कि किसी प्रकार की शिथिलता नहीं होगी, आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहे। आज कोरोना पॉजिटिव का एक केस आ गया है, तो किस तरीके से रणनीति बनाई गई और कहां पर ये केस पाया गया? ये अहमदाबाद से कुछ मज़दूर आए थे 2 गाड़ियों में, कुल मिलाकर 19 मज़दूर थे, जो 3 गांवों में गए थे, बिलथारी, ईश्वरपुर और नादिया में। उसे बिलथारी में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अभी हमने तीनों गांवों को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया है। फर्स्ट कॉन्टैक्ट हिस्ट्री उनकी तैयार की जा रही है, घर घर सर्वे किया जाएगा और जिन लोगों में लक्षण पाए जाएंगे उनके सभी के सैंपल लिए जाएंगे और इसके बाद आगामी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। सर, लॉकडाउन में जो ढील दी गई थी, तो क्या कंटेनमेंट एरिया के अलावा वो ढील जारी रहेगी? हाँ, लॉकडाउन में जो ढील दी गई है वो ढील यथावत जारी रहेगी। केवल जो कंटेनमेंट एरिया हमने घोषित किया है, उस कंटेनमेंट एरिया में पूरा कर्फ्यू रहेगा। ना तो कोई व्यक्ति घर से बाहर निकल पाएगा, ना ही कोई व्यक्ति बाहर से वहाँ जा पाएगा।